आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ सूर्य पर। सूर्य का गोचर बहुत मायने रखता है और सूर्य का गोचर रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है। ये एक महीने का गोचर होता है और एक महीने में दुनिया दहल जाती है। जिनके लिए प्रतिकूल होता है और इन जिनके लिए अनुकूल होता है मालामाल हो जाते हैं। तो सूर्य का गोचर बहुत मायने रखता है। सूर्य ज्योतिषीय मंत्रिमंडल के राजा हैं। उनको प्रणाम करते हुए और ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए आइए आज के वीडियो को आपको बताना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 16 जुलाई 2024 के दिन सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं। सूर्य देव के प्रवेश का समय रहेगा, यानी गोचर का प्रवेश का समय रहेगा 11:19। 11:19 पर प्रवेश करेंगे सूर्य देव और आपको तरक्की और बरकत दे सकते हैं। अगर आप सूर्य देव के उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आप राजाशाही वैभव भोग सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और ये जो 6 राशियां हैं वो बहुत सुख भोगेंगी इस अवधि में और ज़बरदस्त पैसा आएगा। पैसे देने वालों की लाइन लग जाएगी आपके घर में, इतना पैसा आएगा। तो आइए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, लाइट गई हुई है तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, पसीने पर ध्यान ना देवें और वीडियो पर ध्यान देवें। प्राय सूर्य का जो गोचर होता है 10वां भी मिनिमम होता है, लेकिन 10वां भी शुभ होता है। राज्य पक्ष से आपको लाभ मिलता है, लेकिन 11वां अति शुभ होता है। चौथा गोचर हो चंद्र से, 8वां हो या 12वां हो, तो अति पीड़ा देता है, कष्ट देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे जातक को मिलते हैं, वो बर्बाद हो जाता है। तो आपकी चंद्र राशि जो है, आपका बोलता नाम जो है, उसकी राशि से गणना कर लीजिए। हम अनेक वीडियो में आपको तरीका बता चुके हैं, क्योंकि हम ये प्रयास करते हैं कि आपका ज्योतिषीय ज्ञान बढ़े। इसी निमित्त आप हमारे वीडियो देखते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन आपको जानकारी देना हमारा मकसद होता है। मित्रों, लाइट आ चुकी है, एसी भी बंद हो गया था और पंखा भी बंद हो गया था, दोनों ही चल पड़े हैं और मेरे चेहरे पर पसीना सूखने वाला है थोड़ी देर में ही, और रौनक आने वाली है क्योंकि गर्मी ने हर किसी को बेहाल कर रखा है। ये रौनक पसीने की वजह से ही जाती है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं है तो आप अपनी जन्म पत्री में देखिए, जहाँ चय लिखा है अर्थात चंद्रमा लिखा है या एम यानी मून लिखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए वही आपकी राशि है। अगर 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि है, 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृष राशि है, 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन राशि है, 4 नंबर लिखा है तो आपकी कर्क राशि है। इसी अनुसार गणना कर लीजिए, आप जान पाएंगे कि आपकी कौन सी राशि है। नामाक्षर पर भी हमने अनेक वीडियो बनाए हैं, तो नामाक्षर भी आपका जो भी है उस नाम से भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, राशि नहीं पता है, तो बोलता नाम ही वर्क करेगा और बोलते नाम से ही आप गणना कर सकते हैं। तो सूर्य का जो गोचर होता है, द्वितीय हो तो मध्यम फलप्रद रहता है, पंचम हो तो भी मध्यम फलप्रद रहता है, नवम हो तो भी मध्यम फलप्रद रहता है, स्वग्रही हो तो शुभ होता है, उच्च का हो तो शुभ होता है, नीच का हो तो परेशान करने वाला होता है। तो ये बेसिक फार्मूला होता है। सूर्य चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं, ये हमेशा मार्गी रहते हैं। मित्रों, पहली लकी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि धन से सराबोर होंगे, उनके घर में पैसा देने वालों की लाइन लग जाएगी। पैसा अगर किसी ने हड़प लिया है, वो पैसा स्वयं आपको देंगे और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, मालामाल होंगे, पैसे देने वालों की लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर। दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि भी मालामाल कर सकती है, धनु राशि मालामाल हो सकती है, पैसे की देने वालों की लाइन लगेगी उनके घर के बाहर। और ये समझ लीजिए, आप जो जिस पैसे की उम्मीद खो चुके थे वही आपको वापस मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि व्यय भाव अनिष्टकारी होता है, खर्चीला होता है। मेष राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, रोजगार काम धंधे इतने बढ़ेंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा काम करूं कौन सा नहीं करूं। लेकिन इस पशुकोश में मत पड़िएगा और अपना काम पर ध्यान दीजिएगा। आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, प्रमोशन आपका हो सकता है, पैसा अनगिनत माध्यम से आपको मिलेगा। वृषभ राशि वालों को भी ट्रक भरकर पैसा आएगा, इतना पैसा उनके जीवन में आएगा, मान सम्मान यश कीर्ति आपको मिलेगी और इतना सुख आपको मिलेगा जितना आपने सोचा ही नहीं होगा। आपके हर काम बनते चले जाएंगे इस अवधि में। तो आप सूर्य देव की उपासना करिए, सूर्य देव का नाम जप करिए, साथ ही साथ शुक्र देव की उपासना भी करिए, क्योंकि शुक्र उदय हो चुके हैं और आपको
साल भर तक पैसा देंगे, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो शुक्रदेव का मंत्र जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः जपें, श्री यंत्र की पूजा करें, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें तो आपको लाभ होता है। और चांदी धारण करें तो आपको किसी न किसी रूप से पैसा मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। जिनके लिए सूर्य प्रतिकूल है वो काम धंधे पर जाते समय गुड़ की डली खाकर निकलें तो उनके हर काम बनते चले जाएंगे। प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य देवें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आपको फायदा होगा। जिनके लिए सूर्य अशुभ है, इस गोचर की अवधि में नमक कम खाना चालू कर दीजिए, आपका मान सम्मान यथावत रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रखिए, संपन्न रहिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आपका सुख चाहती हूँ, तरक्की चाहती हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाकर, ऐसे वीडियो बनाकर आपको लाभान्वित करने की चेष्टा करती हूँ। अगर आपने हमारा चैनल डॉक्टर उमा श्री सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करके लाभान्वित होने का अवसर ना जाने दें और लाभ प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।